बोर्ड एग्जाम में 90% कैसे लाएं, ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर करें, ये जो सवाल है दोस्तों, ये आपके एकेडमिक कैलेंडर की शुरुआत से ही, यानी जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं बोर्ड्स की, आपके दिमाग में ये सवाल हमेशा चलता है कि मुझे अपने बोर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, 90% से ऊपर स्कोर करना है, 95% से ऊपर स्कोर करना है, या 90 और 100 के बीच में हमें लाना है परसेंटेज। ये सवाल आपके दिमाग में शुरुआत से ही चलता है, चाहे आप एवरेज बच्चे हो, चाहे आप एक डल बच्चे हो, चाहे आप एक टॉपर हो, आपके दिमाग में होता है कि नहीं, अब मैंने जो पीछे किया मैं उसको छोड़ते हुए बोर्ड एग्जाम में अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा करने वाला हूं। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में यही कहा जाता है कि आपने जो भी पीछे किया ये उतना मैटर नहीं करता, आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में क्या करते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी संवारने वाला साल है। अगर आपने इस साल मेहनत कर ली तो बिल्कुल आपको इसका परिणाम आने वाले दिनों में मिलेगा, आने वाले दिनों में आप इसका परिणाम देख पाओगे। तो मित्रों, आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करने वाला हूं, तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएम क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कुछ बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूंगा, कुछ पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करूंगा, जिनको फॉलो करके आप अपने इस सपने को, आप अपने इस टारगेट को दोस्तों अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जान लीजिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम है क्या। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम अपने आप में ही आपके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आप इस परीक्षा को दोस्तों सामान्य रूप से दे सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हम बोर्ड एग्जाम को जानबूझ के टफ बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्या, उसके कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो दोस्तों यह है कि हम साल भर पढ़ाई नहीं करते। बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम की दोस्तों साल भर की जर्नी है, एक साल की पूरी जर्नी है, आपके क्लासेस जब से स्टार्ट होती हैं जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए वहां तक आपकी जर्नी है। बिल्कुल दोस्तों, हम उस जर्नी को सही से फॉलो नहीं करते, कहने का मतलब हम सिलेबस को टाइमली कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारा लोड बढ़ता चला जाता है और हम ऐसा मानते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत टफ है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे हम फेल हो जाएंगे या हम एवरेज स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका माइंडसेट है, ये आपकी कुछ गलतियां हैं जो आप स्टार्टिंग में ही करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब आपको अपनी स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें सही करनी है, जिससे कि आपकी साल भर की जर्नी बहुत आराम से चली जाए, बहुत आराम से आप दोस्तों पढ़ करके, अच्छे तरीके से पढ़ करके अच्छा परसेंटेज स्कोर कर लें। तो मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनको अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत फिक्स करिए दोस्तों, तुरंत आप इसको निश्चित कर दीजिए कि मैं अब ये कार्य इस समय करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ये काम आपको करना है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको मैं 5-6 पॉइंट ऐसे बता रहा हूं जिनको आपको फिक्स करना है। सबसे पहला काम आप करिए कि अपने बोर्ड एग्जाम के, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं दोस्तों, किसी के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, किसी के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, या हो सकता हो ज्यादा हो, आप पहले उनका सिलेबस देखिए कितना आपको पढ़ना है। यही आपको क्लियर होगा दोस्तों तो आप आधी जर्नी जीत जाओगे। बिल्कुल दोस्तों, किसी ने कहा था, किसी महान विचारक ने कहा था कि अगर आपको ये पता है कि आप कर सकते हो तो आप 50% से ज्यादा जर्नी, हाँ दोस्तों, इफ यू थिंक यू कैन यू हैव ऑलरेडी वन द हाफ मैच। तो बिल्कुल आप दोस्तों आधा मैच जीत चुके हो, आधी आपको जर्नी ट्रेवल करनी है। सबसे पहले अपने सिलेबस को आप देखो, कितना मुझे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ने की कोशिश में मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल बुक्स को फॉलो करते हैं। हाँ दोस्तों, दूसरा एरर जो आप करते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, वो आप करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट की आप ज्यादा ज्यादा बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी एक बुक को ही कॉन्सेप्चुअल क्लियर रखें, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रखें। ये दोस्तों हर एग्जाम में ऐसा होता है, आप चाहे बोर्ड एग्जाम को देख लें, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लें, क्योंकि दोस्तों कोई भी बुक बनाई जाती है तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और अपने आप में वो इतनी परिपूर्ण होती है, इतनी कंप्लीट होती है कि आपको अदर बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों हम करते क्या है कि हम 4 तरीके की बुक लाते हैं, 4 टाइप्स की बुक लाते हैं दोस्तों, खासकर ऐसा आप लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, फिजिक्स में ऐसा करते हैं, अकाउंट्स में ऐसा आप लोग करते हैं, 4 तरीके की बुक लाते हैं। किसी भी बुक को हम थॉरोली कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं, फिर हम बाद में ब्लेम करते हैं कि टीचर ने हमारे सही नहीं पढ़ाया, हमारे क्वेश्चन सही नहीं आए, हमारा पेपर टफ आ गया। दोस्तों एक बुक को फॉलो करिए, उसको दोस्तों एकदम ग्रंथ की तरह पढ़िए। मान लीजिए कि आपको साल भर यही पढ़ना है, इसी बुक को आपको सॉल्व करना है, इसी बुक में आपको रहना है, इसी बुक के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। सबसे पहले अपने सिलेबस को डिजाइन करिए, अपने सिलेबस को डिफाइन कर लीजिए कैसे आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाइए। स्ट्रेटेजी का मतलब, अभी स्टार्टिंग में आप दोस्तों नए नए, आपका स्कूल खुला है तो बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप 7 से 8 घंटे लगे हुए हैं बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के। हाँ, ये जरूरी है कि आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे दोस्तों आप अपने आदत को बनाते जाइए। धीमे धीमे आप 2 घंटे शुरू करिए, धीमे धीमे 3 घंटे 15-15 दिन बाद दोस्तों चेंज करते जाइए। इससे आपकी पढ़ने की एबिलिटी लगातार बढ़ेगी, आपको पता भी लगेगा कब आपका टाइम इंक्रीज हो गया। और दोस्तों आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे बोर्ड एग्जाम आते आते आप आराम से पढ़ लोगे और आपको दोस्तों थोड़ी भी टायर्डनेस नहीं होगी।
तीसरी चीज दोस्तों, रेगुलर स्टडी। बिल्कुल दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है या किसी भी एग्जाम में अच्छा करना है तो उसका केवल एक ही मूल मंत्र है, वो है आपकी कॉन्टिन्यूटी, वो है आपकी रेगुलरिटी, विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर रेगुलरिटी है, कॉन्टिन्यूटी है, तो बिल्कुल वो दोस्तों आपको दूसरों से अलग बनाती है, दूसरों से आपको एज दिलाती है, आपको आगे रखती है। आप किसी भी टॉपर से पूछो, किसी भी आप स्टूडेंट से पूछोगे जिसने टॉप किया है, जिसने कुछ भी क्रैक किया है, वो यही बोलेगा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं 7-8 घंटे स्टडी नहीं करता था, लेकिन मैं 4 घंटे ही पढ़ता था, मैं रेगुलर पढ़ता था। दोस्तों रेगुलरिटी ऐसी चीज है जो आपको अर्न करनी पड़ेगी, जो दोस्तों आपको लानी पड़ेगी, वो अपने आप दोस्तों, कोई ऐसा दोस्तों इसमें मैजिक नहीं है कि आपको मैं बता दूं आपके अंदर रेगुलरिटी आ जाए। आपको खुद सोचना है कि नहीं, मुझे रेगुलर पढ़ना है, कम पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर पढ़ने से दोस्तों आपको आसानी क्या होती है कि आपका सिलेबस बहुत ही आसानी से पार्ट बाय पार्ट में कंप्लीट होता चला जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और कब आपने एग्जाम दे लिया। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपकी रेगुलरिटी से ही आएगी। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स में 6 चैप्टर्स पढ़े। बिल्कुल दोस्तों, मैथ्स में आपने 6 चैप्टर्स पढ़े और आपने उसको सॉल्व नहीं किया, आपने क्या किया, रेगुलरिटी नहीं रखी। मतलब कि एक दिन आपने 3 घंटे उस चैप्टर को पढ़ा, दूसरे दिन आपने 2 घंटे पढ़ा, फिर आपने 3 दिन छोड़ दिया, फिर आपने 4th-6th दिन 7-8 घंटे पढ़ाई करी। तो इससे होगा क्या, आपकी रेगुलरिटी ब्रेक होगी, आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे, आपको वो चीजें भूलने लगेंगी, वो कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे जो आपने पॉलिश किए थे अपनी रेगुलरिटी के दौरान, जो आपके माइंड में चल रहे थे। अगली बात दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम की अभ्यर्थी करते हैं अपने समय की वैल्यू नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, अप्रैल मई जून, हाँ दोस्तों ये 3 महीने वो सोचते हैं कि समर वैकेशन चल रहा है, मैं घूमने का मेरा ये समय है, मैं घूम लेता हूँ, जुलाई से मैं स्टार्ट करूंगा। जहां दोस्तों आपने ये सोच लिया कि मैं जुलाई से स्टार्ट करूंगा, वहीं पर आप ये जंग हार जाओगे, वहीं पर आपके परसेंटेज कम हो जाएंगे। इस बात का दोस्तों अभी आपको रियलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्जाम के फेज में जाओगे, जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ सर आपने जो बात कही थी बिल्कुल सही कही थी। आपको जुलाई का वेट नहीं करना है। क्यों दोस्तों आप जुलाई का वेट करो, जब आपका स्कूल अप्रैल में स्टार्ट होता है, जब आपका सेशन मिड अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अब अभी से लग जाना है। आपको ये सोचना है कि अब मुझे ये साल भर खुद के लिए देना है, अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए देना है, अपने एग्जाम के लिए देना है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए देना है, ये आपको सोच के चलना है। और क्वार्टर वाइज अपने सिलेबस को डिवाइड करिए, कहने का मतलब अप्रैल से जून तक, हाँ दोस्तों जून से लेकर के जुलाई से लेकर के सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक और जनवरी से लेकर के दोस्तों मार्च तक, से अपने ईयर को डिजाइन करिए, 4 पार्ट में उसको ब्रेक करिए। इसी तरह से आप पार्ट बाय पार्ट अपने टारगेट्स को अचीव करते जाइए। और अगली चीज, कॉन्टिन्यूटी कैसे बढ़ेगी, रेगुलरिटी कैसे आएगी, तो आप डेली का टारगेट सेट करिए। ऐसा नहीं कि मुझे 20 चैप्टर पढ़ने हैं 10 दिन में, ऐसा नहीं, 15 दिन में, 20 दिन में, ऐसा नहीं। आप एक टॉपिक को लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप लाइट पढ़ रहे हो, तो लाइट दोस्तों बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, आप चाहे 10th में पढ़ो, चाहे 12th में पढ़ो, तो इसको आप एक दिन में, 2 दिन में नहीं ले सकते हो। आप इसको पार्ट बाय पार्ट लो कि मैं एक दिन में रिफ्लेक्शन पढ़ूंगा, मैं एक दिन में रिफ्रैक्शन पढ़ूंगा, फिर मैं डिफ्रैक्शन पढ़ूंगा, इस तरह से आप लेते जाओ। मैं इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ूंगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ूंगा। तो दोस्तों जब आप उसको ब्रेक करोगे मल्टीपल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में दोस्तों आप उसको डिसइंटीग्रेट करोगे, तो बिल्कुल दोस्तों बहुत आसानी से अपने टारगेट को आप अचीव करोगे। आप बहुत बड़ा टारगेट लोगे और नहीं अचीव होगा तो आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करेगा, आपके अंदर और जिज्ञासा आएगी कि और वीडियोस देखूं, कैसे मैं कम टाइम में सिलेबस कवर करूं। इसका दोस्तों कोई शॉर्टकट है ही नहीं, अगर होता तो लोग कवर कर लेते। बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम की जर्नी एकदम स्टार्ट से ही शुरू करनी है, जीरो से आपको शुरू करनी है दोस्तों। आपको अपना एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है। दूसरी चीज, आप दूसरों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहिए, कहने का मतलब दूसरा क्या कर रहा है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी खुद की जर्नी है, आप पहले देख लो मुझे कहां कोचिंग, कहां से ट्यूशंस लेनी है, कहां कोचिंग करनी है। इसके बाद बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, सर मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो देखिए दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना कोचिंग के 90% नहीं ला सकते हो, लेकिन हां मैं बार बार कहूंगा, ये जो छुट्टी का समय चल रहा है, जो आपके स्कूल टाइम आपके बंद रहते हैं, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। कहने का मतलब, अब जैसे बहुत लोग कहेंगे सर स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, कोचिंग नहीं पढ़ाया गया, मैं कैसे स्टार्ट करूं, उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। दोस्तों मैंने खुद अप्लाई किया था, मैं क्लास 10th की बात आपको बता रहा हूं, हालांकि दोस्तों मैंने 11th-12th में कोचिंग्स लिए थे, तो मैं आपको बता दूं 10th मैंने ऐसे ही किया था। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, एकदम न्यू चैप्टर है आप दोस्तों, उसमें जीरो हो, निल हो वहां पर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, चाहे आप मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक हो, चाहे साइंस की हो, चाहे सोशल साइंस की, जो भी आपकी बुक होगी उसको आपको जीरो से स्टार्ट करना है। ऐसा आप 10th-12th सब में करिए, उसको पहले पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को दोस्तों देखिए। बाद क्वेश्चंस की जहां तक बात है, सबसे पहले एग्जांपल्स पे आ जाइए, उदाहरण पे आ जाइए और एग्जांपल्स को नोट करिए रफ पे। हाँ दोस्तों एग्जांपल्स को नोट करिए, उस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढिए एक्सरसाइज में, उस तरह से लगाइए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों हर क्वेश्चन में। बिल्कुल आप धीमे धीमे, जब आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, तो आप धीमे धीरे कैच करना शुरू कर लोगे। बिल्कुल बहुत ज्यादा देखिए प्रॉब्लम किसको होती है, जो डिपेंडेंसी पे हो जाता है, जो डिपेंडेंट हो जाता है कि मेरा टीचर पढ़ाएगा तब मैं पढ़ूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम एक बार जान लीजिए, टीचर का रोल केवल 30% है, आपका रोल दोस्तों 70% है। टीचर केवल आपके डाउट्स को क्लियर करेगा, पढ़ना आपको है। किसी भी एग्जाम में आप देख लो, क्रैक वही करता है जो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, जो खुद से अपना दोस्तों जर्नी ट्रेवल करता है, खुद से अपने आप को इतना
अनुकूल बनाता है दोस्तों, अपने आप को इतना काबिल बना लेता है कि उस एग्जाम का दोस्तों वो उसकी लाइफ का पार्ट हो जाता है और बहुत ही आसानी से क्रैक करता है। बोर्ड एग्जाम में आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों, कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपको थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ ऐसा करना होगा जो थोड़ा सा अलग हो, बिल्कुल दोस्तों, तभी आप उस अचीव कर पाओगे, उस टारगेट को अचीव कर पाओगे जो आपने बनाया है। आप वही सोचो, अगर दोस्तों हर कोई इस तरह इस चीज को कर लेता तो क्या हर किसी का 90% नहीं आता, हर किसी का 95% नहीं आता? तो बहुत ज्यादा आपको फोकस रहने की जरूरत है। हाँ, आप एंटरटेनमेंट भी करिए, सभी चीजों को आप लेते रहिए दोस्तों, गेम्स भी खेलिए, स्पोर्ट्स भी खेलिए, जिसमें आपका पे भी आपका इंटरेस्ट है वो काम भी आप करिए, लेकिन हाँ अपने आप को थोड़ा सा आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए, डिसिप्लिन भी में लाइए। बिल्कुल दोस्तों, समय समय पर मैं और वीडियोस आपको देता जाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा सर आपको ऐसा टाइम टेबल आपको चाहिए किस तरह से, अगर आप चाहोगे कि मैं आपका टाइम टेबल डिजाइन करूं तो अपना शेड्यूल भेज करके कमेंट करिएगा, मैं आपको खुद बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें। मिलेंगे मित्रों अगले अपने वीडियो अगले।